मेरे वी किचन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम आपके लिए कौन सी रेसिपी लाए हैं। तो आज की हमारी रेसिपी है बनाना शेक, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और इस समय ठंडे ठंडे शेक सभी बच्चों को अच्छे लगते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बनाना शेक। बनाना शेक बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 केले लिए और उन्हें हमने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। और अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच चीनी डालेंगे। 3 टेबल स्पून चीनी डालने के बाद हम इसमें 1 इलायची का पाउडर डालेंगे उसे कूटकर। बनाने के साथ में इलायची डालने से वो बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और अब इसमें जाएगा ये 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। वनीला एसेंस डालने से भी बनाना शेक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसे एक मिक्सी के जार में डालकर और 1 से 1.5 गिलास दूध डाल के हम उसे एकदम स्मूथ पीस लेंगे। ये देखिए हम इसमें 1 गिलास करीब दूध डालेंगे। हमने यहाँ पे ये हैंड ब्लेंडर लिया है और हैंड ब्लेंडर से शेक बना रहे हैं। और शेक हमारा बन गया है और अब हम इसे ग्लास में सर्व करेंगे। और अब हम ऊपर से इसमें कटे हुए बादाम डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, आप जो चाहें वो डाल सकते हैं। तो ये लीजिए बनाना शेक 2 मिनट में तैयार है। इस गर्मियों में आप अपने बच्चों को, घर के सभी फैमिली मेंबर को बनाना शेक बना के डालिए। और इसमें वनीला एसेंस एक बार डालकर जरूर देखिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि दूध आप इसमें बिल्कुल ठंडा दूध यूज करें। अगर ठंडा दूध नहीं है तो आप बर्फ के टुकड़े भी डाल सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।